तो देख सकते हो कि गाड़ी में आगे पीछे दोनों तरफ आपको ब्लू कलर के एलईडी मिल जाते हैं और गाड़ी टर्न इंडिकेटर्स मिलता है, लेकिन ये एलईडी में आता है। तो पीछे का टायर का साइज है 140/60 R70। तो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं फिर से करने वाला हूँ एफजी वर्सेंटी का रिव्यू। और पिछली बार मैंने एफजी वर्सेंटी मेटेलिक ब्लैक का रिव्यू किया था, इस बार मैं मेटेलिक ग्रे का रिव्यू करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला है कि भाई मेटेलिक ग्रे का भी रिव्यू बनाओ। तो मेरे पास पीछे मेटेलिक ग्रे कलर भी अवेलेबल है। तो स्पेशल थैंक्स टू वीआर एंटरप्राइज। आपको एफजी का कोई भी मॉडल देखना है या फिर यामा का कोई भी मॉडल देखना है तो आप यहाँ पर आके विजिट कर सकते हो। शोरूम के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और शोरूम भी बहुत बढ़िया है, इनका हॉस्पिटलिटी भी बहुत बढ़िया है, तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, मैं आज एफजी वर्सेंटी मेटेलिक ग्रे का रिव्यू करने वाला हूँ और ये डीलक्स मॉडल है, क्योंकि डीलक्स मॉडल पे आप लोग जानते हो कि टीनर कलर लॉन्च किया है एफजी ने, तो ये मेटेलिक ग्रे कलर है। तो देख सकते हो कि गाड़ी में आगे पीछे दोनों तरफ आपको ब्लू कलर के एलईडीज मिल जाते हैं और गाड़ी का कलर मेटेलिक ग्रे कलर है। देख सकते हो कि कलर कुछ ऐसे टाइप का है और ये कलर बहुत ही प्रीमियम कलर है गाइस। और ये कलर बेसिकली आपको हाई एंड मोटर स्पोर्ट्स कारों में मिलता है, लाइक हो गया BMW, ऑडी, ये सब कारों में आपको मिलता है। ये कलर आपको यामा के एफजी में मिल जा रहा है अभी। और यहाँ पर एफजी का जो बैच है ये 3D में है, ये ब्लैक कलर में है, नीचे वर्सेंटी लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्लू और ब्लैक कलर की स्टिकरिंग है, यहाँ तक जाता है टैंक की तरफ। यहाँ पर यामा का लोगो है और चाबी लगाने का जगह यहाँ पर है। और सामने यहाँ पर आपको LED हेडलाइट मिल जाता है और नीचे इसका पैरेलल डैम हेलोजन पे है नीचे। यहाँ पर ये एफजी का लो बीम है और ये हाई बीम है। तो टायर सेक्शन पे आते हैं, तो टायर का साइज आप लोग देख सकते हो कि 100/80 सेक्शन का टायर है, 17 इंच का रिम है, एलो व्हील है ब्लू कलर के, और ट्यूबलेस टायर मिल जाता है आपको, आगे की तरफ ABS मिल जाता है। यहाँ पर ABS लिखा हुआ भी है और शॉकर पे यहाँ पर यामा लिखा हुआ है। आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और यहाँ पर है इसका डिस्क। तो डिस्क का साइज मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा। यहाँ पर आपको प्राइमरी के कैलिबर्स मिल जाता है और थोड़ा सा इधर आए तो यहाँ पर आपको क्रोम कलर के फेक एयर वेंट्स भी मिल जाता है टैंक की तरफ, हैलोजन के टर्न इंडिकेटर्स मिलता है, लेकिन ये LED में आता है। अगर आप गाड़ी जब खरीदोगे तो शोरूम वाले आपको हैलोजन के बजाय LED इंडिकेटर्स आपको इंस्टॉल करके देंगे। और नीचे यहाँ पर है कैटकॉन कैटलिटिक कन्वर्टर, यहाँ पर इसका ऑक्सीजन सेंसर है और इधर है इसका इंजन। तो दिस इज़ द सेम इंजन, 149cc का इंजन है। पावर फिगर में ऊपर मेंशन कर दूंगा, ऊपर आ रहा होगा अभी पावर फिगर। पीछे का लेग ब्रेक लीवर और एडाडिया का फुटलेस, यहाँ पर रबर का भी यूज़ किया हुआ है। और इधर है पिलियन फुटलेस और यहाँ पर है इसका एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का साइज़ भी बहुत ही बल्की है। और पीछे का टायर का साइज मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार घुमा के। तो पीछे का टायर का साइज है 140/60 R70। तो पीछे का रिम का साइज भी 17 इंच है ब्लू कलर के रिम से। पीछे भी आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। यहाँ पर अंदर की तरफ इसका मोनोशॉक है, एक मिनट, यहाँ पर अंदर की तरफ इसका मोनोशॉक है, मोनोशॉक भी इसका एडजस्टेबल है। और इधर है पीछे का डिस्क, तो डिस्क का साइज भी ऊपर में मेंशन कर दूँगा। आपको निसिन के कैलिपर्स मिल जाता है, इधर निसिन का ब्रांडिंग भी लिखा हुआ है। सिंगल पिस्टन कैलिपर है, आगे आपको प्राइमरी के कैलिपर्स मिलता है, ड्यूल पिस्टन कैलिपर है। और आपको ब्रेक में कोई भी स्टील ब्रेड लाइन्स नहीं मिलता, रबर की लाइन्स मिल जाता है, देख सकते हैं। तो आई विश कि यामा को आप स्टील ब्रेड लाइन्स पे शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि यामा अपने FZ से लेकर RC हो गया भी गाड़ी में आपका रबर की ब्रेक लाइन्स ही देता है। तो यामा जल्दी से जल्दी स्टील ब्रेड लाइन्स दे दे। पीछे का जो बैकलेट है, बैकलेट आपको देख सकते हो कि MT की तरह देखने में लगता है। और सेम हैलोजन इंडिकेटर्स मिलता है, लेकिन जब आप खरीदोगे तो आप LED इंडिकेटर्स कंपनी में लगा देगा। सीट की तरफ है तो सीट देख सकते हो एकदम प्लेन सीट है और सीट भी बहुत ही वाइड है, बहुत स्पेस है राइडर एज वेल पिलियन के लिए। और ये पीछे का ग्रैब रेल है, ग्रैब रेल का कलर भी मैट ब्लैक पे है पीछे का ग्रैब रेल।
और टैंक पे आते हैं तो टैंक आपको बड़ा लीटर का टैंक मिल जाता है। और टैंक का जो साइज है बहुत ही बल्की देखने में लगता है, टैंक बहुत ही मस्कुलर बल्की है। यहाँ पर ब्लू कोर टेक्नोलॉजी का स्टिकर भी है, यहाँ पर फ्यूल लीड है। मीटर को ऑन करके भी दिखा देता हूँ। तो मीटर कुछ ऐसे ऑन होता है और यहाँ पर आपका ABS का लाइट है, इधर इंडिकेटर्स की लाइट है, यहाँ पर हाई बीम की लाइट, इधर इंजन मेल फंक्शन, इधर न्यूट्रल, और इधर है आपका RPM मीटर, इधर है स्पीडोमीटर, इधर है फ्यूल गेज और इधर है ट्रिप मीटर। तो ट्रिप मीटर पे ट्रिप 1, ट्रिप 2, क्लॉक, ओडो और डिजर्व, बस ये सभी कुछ है और कुछ नहीं मिलता आपको। डीलर सेफ्टी में इनबिल्ट आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलता है, आपको एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कमिंग टू द हैंडल बार, तो हैंडल बार आपको देख सकते हो कि नाइस वाइट हैंडल बार है, अपडेट हैंडल बार है। मैंने एक वीडियो बना था FZ Versa NC Deluxe का, उसमें मैं मेटेलिक ब्लैक को चला के भी दिखाया था, तो वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो देख लेना। तो आप है स्विच क्लस्टर पे, तो यहाँ पर है पास, हाई बीम, लो बीम, नीचे लेफ्ट और राइट इंडिकेटर्स, उसके नीचे है हॉर्न, इधर है इंजन की स्विच, उसके नीचे सेफ स्टार्ट का स्विच। और मिरर्स की तरफ आते हैं तो मिरर्स आपको कुछ ऐसे टाइप के देखने में मिलता है, देख सकते हो। मिरर्स की विजिबिलिटी भी बहुत ही बढ़िया है। और इधर है आपका गियर लीवर, तो दिस बाइक हैज़ 5-speed गियर बॉक्स। और आपको इस गाड़ी में साइड स्टैंड एज वेल एज सेंटर स्टैंड भी मिल जाता है। और साइड स्टैंड में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इंजन कटऑफ सेंसर भी है, तो जब गाड़ी का साइड स्टैंड डाउन होगा तब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। और इधर है इसका सुंगम, तो ये स्टील बॉक्स साइज सुंगम है, एल्यूमिनियम सुंगम आपको नहीं मिलता। और इधर है पीछे का साड़ी गार्ड और टायर हगर, साड़ी गार्ड के साथ टायर हगर इंटीग्रेटेड है, तो अगर आप टायर हगर को भी खोलोगे तो आपको साड़ी गार्ड भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। नॉर्मल FZ से डीलक्स FZ का कंपेयर करूँ तो यहाँ पर रखा हुआ नॉर्मल FZ भी देख सकते हो कि आगे से एकदम सेम टू सेम दिखने में लगता है, लेकिन इसका जो बैकलाइट है, बैकलाइट आपको हेलोजन बल्ब में मिलता है। लेकिन अगर मैं FZ डीलक्स मॉडल का दिखाओ तो आप लोग देख सकते हो कि पीछे का बैकलाइट भी इसका LED बैकलाइट है और ये बैकलाइट बिल्कुल MT की तरह दिखने में लगता है। आज का वीडियो बस यहीं तक था, अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता है आप लोगों से अगली ब्लॉग पे, सो बाय बाय एंड टेक केयर।